बहुत स्केरी स्टोरी सुनाने वाले। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव होता था, उसमें ना एक उसके घने जंगल में एक लड़की थी, चुड़ैल घूमती थी। उस जंगल में जो भी पेड़ काटे जाता था वो चुड़ैल लड़की उनको खा जाती है और उनकी हड्डियां बाहर फेंक देती है गांव के। और फिर गांव वाले बहुत कम पड़ गए। फिर कुछ दिनों बाद वहां एक लड़का आया, उन्होंने फिर वो लड़का पूछने लगा एक बूढ़े अंकल से, अंकल कि वो भूतनी कहाँ है। तो उस अंकल ने बोला, उसका नाम भी मत लो वरना वो तुझे कच्चा चबा जाएगी। फिर वो लड़का बोला, अरे तुम फिकर मत करो अंकल, मैं उस भूतनी को पूछने आया हूँ कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो प्लीज अंकल आप मुझे पता बता दीजिए। फिर उस अंकल ने बोला, वो उस घने जंगल के अंदर रहती है। फिर वो लड़का घने जंगल के अंदर गया और फिर वो लकड़हारे का नाटक करने लगा क्योंकि उसको पता था। तो फिर उसके बाद वो चुड़ैल आए उस लड़के को खाने, और फिर उसने जब उसका चेहरा देखा वो चौंक गई। वो एक बच्चा था 10 साल का। और फिर उस लड़के ने पूछा, तुम भूतनी हो या लड़की, लगती हो तुम लड़की, लेकिन तुम ऐसे बाकियों को डराते क्यों हो। फिर उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। और फिर उस लड़के ने बोला, सुनो अगर तुम जिस बेस में थी तुम जब पैदा हुई थी तो वैसे ही बेस में बदल जाओ और मेरे साथ चलो। मैं गांव वालों को यकीन दिलाना चाहता हूँ तुम कोई भूतनी नहीं, तुम एक लड़की हो। फिर उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया और फिर वो दोनों चल पड़े। फिर गांव वाले सब चौंक गए, तो सब समझे कि लड़की कोई चुड़ैल नहीं है, असल में वो छोटी सी लड़की ही है। तो गाइस आपको इससे थोड़ी सी सीख मिली, अगर वो भूत हो ना, भूत असल में होते ही नहीं हैं। आपको अगर वहम हो जाए तो उस वहम को मिटा दीजिए। और आपको ये स्टडी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा भैया तो डर गया, लेकिन आप मत डरना इस वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।